असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्लाम ने रविवार को मालेगांव में एक जनसभा में विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम शांति बनाए रखना चाहते हैं तो यह भी जानते हैं कि शांति भंग कैसे की जाती है, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हालांकि बयान पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने सफाई दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। मालेगांव में पिछले दिनों एक फायरिंग की घटना हुई थी। जनसभा में इसी मुद्दे पर बोलते हुए विधायक ने पुलिस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गोलियां चली, लोगों को गोलियां लगी, लेकिन एक भी एफआईआर नहीं लिखी गई। पुलिस प्रशासन शहर के लोगों को बेवकूफ समझता है। उन्होंने आगे कहा कि शहर की आवाम खामोश नहीं बैठेगी, अगर शहर पर बुरा वक्त आता है तो हम जाकर लोगों का सामना करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन बात हम पर आएगी तो डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले कि अगर हम अमन रखना जानते हैं तो अमन कैसे जाएगा ये भी हम जानते हैं। ये हमारी शराफत है कि हम आज तक खामोश है। इस दौरान विधायक ने 2009 के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि हराने के बाद लोगों के कारखानों में आग लगाई गई, हारने के बाद लोगों के कारखानों में घुसकर ब्लेड चलाए गए, लोगों को मारा पीटा गया। 2019 में हारने के बाद अब क्या कुछ हो रहा है आपके सामने है। विवाद बढ़ने पर इस्माइल ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने यह बयान महाराष्ट्र या भारत के लिए नहीं बल्कि शहर के संदर्भ में दिया था। उन्होंने कहा कि फायरिंग जो हमारे लोगों के करीब हुई है उस पर मैंने यह बात कही थी। इस संदर्भ में मैंने कहा कि हम शांति बनाए रखने में विभाग की मदद करते हैं, अगर हम ऐसा करना छोड़ दें तो शांति बाधित होगी। मेरे बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। पिछले दिनों कर्नाटक में AIMIM नेता वारिस पठान के भड़काऊ बयान पर खूब हंगामा हुआ था। CAA के खिलाफ आयोजित रैली में पठान ने कहा था कि हमको कहा जा रहा है कि हमने अपनी माँ और बहनों को आगे भेज दिया है, हम कहते हैं कि अभी सिर्फ शेरनिया बाहर निकली है तो आपके पसीने छूट गए, अगर हम सब साथ में आ गए तो सोच लो क्या होगा, हम 15 करोड़ ही 100 करोड़ लोगों पर भारी हैं, यह बात याद रख लेना। मेरा सवाल है डिपार्टमेंट से कि अगर शहर में गोली चलती है और किसी शख्स को गोली लगती है कोई केस क्यों दर्ज नहीं किया गया, FIR क्यों दर्ज नहीं की गई? क्या आप समझते हैं कि शहर के लोग बेवकूफ हैं? शहर के लोगों को पता नहीं है गोली चलती है और कोई FIR रजिस्टर नहीं होती, आदमी जख्मी होता है कोई FIR रजिस्टर नहीं होती? साहब हम भी समझते हैं कि क्या हालात है और किन हालात के तहत डिपार्टमेंट चल रहा है। अगर इस तरह होता रहा तो शहर की आवाम खामोश नहीं बैठेगी। कई लोगों ने यह बात कही है कि अमन अमान हमारी वजह से है, अगर शहर पर बुरा वक्त आता है डिपार्टमेंट से पहले हम जाकर के लोगों का सामना करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों की मिन्नत समाजत करते हैं, अपने शहर का अमन अमान, अपने शहर में अपनी मिल्कियत और जान महफूज रहे उसके लिए हम अपनी जान हथेली पर लेकर मजमे में जाते हैं। अगर बात हम पर आएगी तो डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले कि अगर अमन अमान बाकी रखना जानते हैं तो अमन अमान कैसे जाएगा वो भी हमें पता है। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, ये हमारी शराफत है कि हम आज तक खामोश हैं और शहर के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी और दादागिरी चल रही है। 2009 का इलेक्शन हुआ था, हारने के बाद लोगों के कारखानों को आग लगाई गई, हारने के बाद लोगों के कारखानों में घुस करके भीम पर ब्लेड मारी गई, हारने के बाद लोगों को मारा पीटा गया, लोगों से पैसे छीने गए। 2019 के इलेक्शन में हारने के बाद क्या कुछ हो रहा है आपके सामने। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।